अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम लैम्प बना रहे हैं, लेकिन लैम्प बिल्कुल आसान सी से जो घर में अवेलेबल है बस उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपको टमाटर वगैरह किसी चीज़ की। आप एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे लैम्प बॉईल कर रही हूँ, बीच में ऑनियंस डाले हुए हैं और एक तरफ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, साथ साथ लैम्प भी उबल रहा है और उसी के अंदर मैंने ऑनियंस डाले हुए हैं ताकि वो भी साथ ही उबल जाएँ। इस तरीके से जब उबल गए हैं ऑनियंस तो मैंने उनको निकाल के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ ताकि इनका कलर नाइस हो जाए। हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ और इस तरफ लैम भी मैंने तकरीबन 85-90% बॉईल कर लिया है। बीच में थोड़ी सी कसर है लेकिन वो बाकी जब भूनेंगे इसके साथ तो वो हो जाएगा पूरी। इसका नाइस सा कलर निकाल लें और इसके अंदर मैं मसालों में डाल रही हूँ सॉल्ट, रेड चिलीज, थोड़ा सा मेरे पास बिरयानी मसाला था एंड मद्रास पाउडर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जिंजर ये है मेरे पास और थोड़ा सा योगर्ट डालूँगी क्योंकि मेरे पास कोई टमाटर नहीं है ना ही गार्लिक था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई फर्स नहीं है, आप विदाउट इन चीज़ों के भी जो घर में अवेलेबल है ईजीली आप बना सकते हैं, इससे ऑनियंस का कलर नाइस हो जाए। इस तरफ मेरा ये भी बॉईल हो चुका है। आफ्टर मैंने उसका नाइस सा कलर निकाल के मैंने ऑनियंस को पेस्ट बना लिया है। अपनी मर्ज़ी है, आप उसी में रख के भी पेस्ट बन जाएगा। आई जस्ट वांटेड टू डू क्विकर, जल्दी से। सो मैंने जिंजर भी डाल दिया उसके अंदर और इस तरफ ऑयल को भी, ऑयल के अंदर मैंने गोश्त को भून रही हूँ और साथ ही मैंने जो पेस्ट बनाया है ऑनियंस का एंड जिंजर का वो मिक्स कर दिया है। लैम्प को मिक्स कर रही हूँ साथ साथ। इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लें आप ताकि इसका कलर नाइस हो जाए। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक लैम्प वाटर डालूंगी। मैं सारा लैम्प भी वाटर नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा सा दूसरा वाटर डालूंगी बिकॉज मेरे पास दूसरे मसाले पैना नहीं थे स्मेल को कैप्चर करने के लिए। और ये जो ऑनियन वाटर है ये भी मैं इसी अंदर डाल दूंगी जब मैं मसाले डालूंगी। या मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, कोई भी आपके पास मसाला है आप थोड़ा सा, अगर आपके पास चाट मसाला है, मेरे पास चाट मसाला नहीं था बिल्कुल, मेरे पास थोड़ा सा बिरयानी मसाला था मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। आपके पास कोई भी है चना पाउडर, वेज पाउडर, एनी पाउडर कैन जस्ट ऐड। फिर इसे अच्छे से हिला लें। हाँ, स्मेल को गेट रिट करने के लिए मेरे पास नहीं था तो मैं थोड़ा सा दूसरा वाटर डालूंगी और थोड़ा सा जिसमें लैम्प बॉईल किया था कि बहुत ज़्यादा लैम्प की स्मेल वाला ही वाटर ना अब्सॉर्ब करे। इस तरीके से इसको नाइसली हिला लें हल्का हल्का ताकि मसाले अच्छे से लैम्प के साथ मिक्स हो जाए। एज यू कैन सी कि ये अच्छे से भून रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको हल्का हल्का आप करते रहे ताकि वो नाइस सा भूनने जाए, जो हमने कसर छोड़ी हुई है ताकि वो पूरी हो जाए। इसी के साथ मैंने योगर्ट ऐड कर दिया, जितना भी योगर्ट है आपके पास, 2 स्पून है, 3 स्पून है, यू कैन ऐड। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पूरा कप ही होगा योगर्ट का तो ही हम ऐड कर सकते हैं, आप जितना अवेलेबल है थोड़ा बहुत है थोड़ा सा यूज़ कर लें ताकि थोड़ा थिक हो जाए। जैसे मेरे पास कोई टमाटर वगैरह नहीं थे तो जो अवेलेबल हो उन्हीं में पका लें। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जिसमें लैम्प बॉईल किया था वो वाटर है, दूसरा मैंने दूसरा वाटर डाला हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सारा इसके अंदर डाल दें क्योंकि अगर मेरे पास कोई ज़ीरा या इस टाइप की चीज़ें नहीं थी जिससे स्मेल को कैप्चर किया जाए तो मैंने थोड़ा सा दूसरा मोटर यूज़ किया है। इनको अच्छे से हिला के अब मैं इसको ऐसे ही बुलेट दे के कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। और ये मेरे पास थोड़ा सा मिंट थे, 2-4 लीव्स और थोड़े से कोरिएंडर के लीव्स, वो भी मैंने डाल दिए हैं ताकि नाइस स्मेल आए। जस्ट चेक माई फ्रिज। और ये है मेरे पास नैंडो सॉस, लेमन भी नहीं है तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आया जाए और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया जाए। मैं ऐसे ही कुकिंग करती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि इस चीज़ से टेस्ट में थोड़ा सा
आ सकता है खट्टा सा टेस्ट, या वो मैं डाल देती हूँ। और इसके साथ मेरे पास मिल्क है, मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। मेरे पास ग्रेवी के लिए इतना खास कुछ नहीं था, तो मैं इसलिए ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। कोई इससे टेस्ट ख़राब नहीं होता, बल्कि नाइस एंड थिक अच्छा सालन बनता है। इसको ऐसे मैंने रख दिया कुछ टाइम के लिए, अबाउट 20 मिनट्स। और आप ये देखें हमारी फाइनल लो, ये बिल्कुल पक के रेडी है एंड इट्स रियली नाइस। आप इसे सर्व करें और सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। थैंक यू, बाय।